हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, भारत की जितनी भी इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, टेंपल्स हैं, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं और कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स लेकर आई हूँ। आपको पता है कि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में इससे एक प्रश्न आया भी था, तो ये आपका सिलेबस है और इससे एक प्रश्न आ सकता है। और एक एक प्रश्न की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है, क्योंकि आपने लैंग्वेज तैयार कर लिया, आपने पर्यावरण तैयार कर लिया है यूपी टेट के लिए, ये सब आपने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रखा था, सब पढ़ रखा था। अब जो चीज़ें बिल्कुल आपने टच नहीं की है वो है करंट अफेयर है, सामाजिक अध्ययन है, रीजनिंग है, ठीक है, जीवन कौशल है, कंप्यूटर, ये सब आपने बिल्कुल टच भी नहीं किया है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा इस पर फोकस करना है और अपनी लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा था आपको कि किस तरह से तैयारी करनी है, तो वो आपको करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न सिंपल ये आते हैं कि कोई मंदिर दिया रहता है, ये मंदिर कहाँ स्थित है। जैसे पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती जो थी, 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या पूछा था कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, इतना सा प्रश्न था। तो बहुत ही इजी था ये, ठीक है। अगर आपने, ज़रूरी तो नहीं कि हर बार सूर्य मंदिर या ऐसा बहुत ही कोई फेमस मंदिर पूछे। इंडिया में इतने सारे फेमस टेम्पल्स हैं, कई के तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको पता तो होना चाहिए। जैसे अभी यूपी टेट में क्या आया है, आप लोगों ने प्रिपरेशन के टाइम मैंने ये नोटिस किया कि सबने प्रेयरी पढ़ा, सवाना पढ़ा, सारे ग्रासलैंड्स पढ़ लिए, लेकिन शोला ग्रासलैंड किसने पढ़ा? बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा सोलह ग्रासलैंड, लेकिन आया क्या वही? तो मतलब आपको सब पता नहीं, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है तो हम यही पढ़े, हो सकता है जो हम अनइम्पॉर्टेंट जिसको समझ रहे हैं वही आ जाए। तो क्या है, आप एक बार मेरे साथ इसको रीड करते चलिए, लर्न करते चलिए, आपको वीडियो ख़त्म होने तक ये सारा लर्न हो जाएगा। और अगर आपने इसको एक बार अच्छे से देख लिया है ना, तो होगा क्या कि क्योंकि एग्ज़ाम जो है इस बार ऑप्शनल होने हैं, तो अगर ऑप्शन आपके सामने आ गया तो डेफिनेटली आपको अगर भूल भी रहा है तो याद आ जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे सारे नेक्स्ट वीडियो आपको, उसके जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो योग माया मंदिर पहला मंदिर है, योग माया मंदिर, जो कि कहाँ है? महरौली नई दिल्ली में है, योग माया नई दिल्ली में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आप चाहे तो महरौली भी याद रख सकते हैं, पर एग्जैक्टली नई दिल्ली आपको ज़रूर याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इस तरह के नाम जो जनरली साउथ साइड में होते हैं, तमिल साइड में होते हैं, तो वो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका साईं बाबा का मंदिर, ये बहुत फेमस है। मुझे ये याद कराने, मुझे शायद इंक्लूड ही नहीं करना था, लेकिन साईं बाबा को नहीं इंक्लूड करते तो वो गलत होता, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। ये कहाँ, क्योंकि ये सबको पता है, इसलिए मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना पता हो कि साईं बाबा का मंदिर शिरडी में है। शिरडी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। फेमस किस लिए? अंगूर की खेती होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, छतरपुर मंदिर कहाँ पे है? ये भी नई दिल्ली में है, छतरपुर मंदिर नई दिल्ली। महाबोधि मंदिर, इसको याद करना बहुत आसान है, देखिए बोधि बोध, तो महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बोध गया। अब बोध गया कहाँ है वो तो पता ही है कि वो है बिहार में, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया बिहार में, ये याद हो गया, ओके। अब नेक्स्ट में देखते हैं, तो ये है इस्कॉन मंदिर। नाम से थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, इंग्लिश इंग्लिश टाइप का। अब मॉडर्न लोग तो भाई, जो हमारी न्यू दिल्ली है वो तो है काफ़ी मॉडर्न सिटी है, तो वहाँ पर जो है इस्कॉन मंदिर है, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ये बस तरीका है याद रखने का, बाकी आप याद कर ले तो बेटर है। इस्कॉन मंदिर नई दिल्ली में। चिदंबरम मंदिर, चिदंबरम में ही है, नाम से ही क्लियर है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चिदंबरम कहाँ है, वो है तमिलनाडु में, ठीक है, अगेन तमिलनाडु में। फिर नई दिल्ली का एक मंदिर आ गया लोटस टेम्पल, ये भी बहुत फेमस है, बचपन से बुक्स में देखते पढ़ते आ रहे हैं। कमल मंदिर या लोटस टेम्पल जिसको कहते हैं, वो है नई दिल्ली में। फिर आपका है नेक्स्ट बिरला मंदिर, ये कनॉट प्लेस नई दिल्ली में है, बिरला मंदिर, बिरला मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली, याद रहेगा। चलिए अगर याद रहेगा तो इसी बात पे फिर तुरंत लाइक का बटन दबाइए, उसके बाद आगे का वीडियो देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, ये भी पता है सबको, पांडव नगर नई दिल्ली। तो अक्षरधाम मतलब नई दिल्ली के जितने भी फेमस मंदिर है, फेमस प्लेसेस है, उनमें ये इनके नाम आते हैं।
तो मुझे लगता है न्यू दिल्ली की जितनी चीज़ें वो सबको पता है, लेकिन आगे जो मैं मंदिर बताने वाली हूँ, ये देखिए अक्षरधाम, दर्शन भी कर लीजिए चलिए। और दर्शन अब कर लिया है तो अब तो लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। तो आगे जो मंदिर आने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपका नेक्स्ट है केदारनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की थी, अगर आपने पिछला 68,500 भर्ती की परीक्षा दी थी या अगर आपने उनका पेपर देखा होगा, साउथ एरिया से, साउथ इंडियन इंडिया साइड से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही नहीं आए थे। मंदिर, सूर्य मंदिर पूछा था, ठीक है, उसके बाद फिर एक कर्नाटक का कुछ सिटी पूछा था, इस टाइप से तो 2-3 क्वेश्चन आई थिंक आए थे। क्यों? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, साउथ बहुत दूर है, जनरली हम अपने आस पास का पढ़ लेते हैं, दूर का छोड़ देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सब कुछ पढ़ना है, पूरे इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर जो है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। कुछ स्किप तो नहीं हुआ है? नहीं। केदारनाथ मंदिर बहुत फेमस है, वो मुझे अभी मूवी भी आ रही है केदारनाथ, तो अभी आप देखने मत जाइएगा अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है, अगर रिलीज़ होती है तो, क्योंकि ऑलरेडी विवाद चल रहा है उस पर। खैर, वो सब न्यूज़ हमारे काम के लिए है। तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक मतलब कि गणेश भगवान जी, और गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में ही सेलिब्रेट की जाती है, तो सिद्धि विनायक मंदिर वहीं पर है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आपका प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर तो प्रेम के नाम से ही समझ में आता है, वृंदावन मथुरा, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ये प्रेम मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो ये हमको पता ही होनी चाहिए, वृंदावन मथुरा में है। व्हाट हैपेंड? ओके, सो गंगोत्री मंदिर ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री मंदिर ये उत्तराखंड में है। फिर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और पता ही होगा, पता होना क्या चाहिए, मुझे पूरा यकीन है आपको पता होगा, बस हम एक बार इसको रिवाइज करते चल रहे हैं। अब देखिए रामेश्वरम तीर्थ जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। भाई जितनी भी चीज़ें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल उधर साइड की है ना, और इधर मेघालय, मणिपुर, इन सब साइड की हैं, प्लीज़ उसको रट डालिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत क्वेश्चन उससे पूछता है। तो चलिए देखते हैं रामेश्वरम तीर्थ कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये पता है, ये बहुत फेमस है। इसके बाद है आपका चेन्न केशव मंदिर, तो चेन्न केशव मंदिर इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चेन्न केशव मंदिर कहाँ पे है? बेलूर, कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो कि एग्ज़ाम में आया था, 68,500 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की जो है उसमें ये प्रश्न आया था कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये है कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। इसको सूर्य मंदिर को और क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा। हालांकि अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, जाहिर सी बात है उसमें जो क्वेश्चन आए थे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पर वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे किसी भी कीमत पे, तो आपको इतना ज़्यादा इसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है देखिए सन टेम्पल कोणार्क में। फिर नेक्स्ट है हमारा बृहदेश्वर मंदिर, या ये इस विश्व विरासत स्थल माना जाता है, मतलब के अंतर्गत मतलब शामिल है। ये तंजौर तमिलनाडु में है, मैं बार बार कह रही हूँ तमिलनाडु के, भाई सारे याद कर लीजिए, बहुत मंदिर है वहाँ पे। तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। फिर एक ये है आपका गांगेय कोंडा चोलीश्वरम मंदिर, अगर नाम ये आप 2-3 बार बोलिए तो याद हो जाएगा, तो ये भी तमिलनाडु में, इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है। अगर आ गया तो आप इसको नाम वाम याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगेन तमिलनाडु, तो ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावत कौन था? आपको पता ही है कि भगवान इंद्र का जो हाथी था उनको, उसको ऐरावत कहते हैं, उनको ऐरावत कहते हैं, आई मीन। तो ये भी तमिलनाडु में है इनका मंदिर। नेक्स्ट आपका है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये अगेन ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है।
इसका नाम मुझे बहुत टफ लग रहा है, ठीक है। आई थिंक आपके लिए ईजी होगा, अगर आप पढ़ सकते तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पद्मनाभ स्वामी, अगर मैं गलत पढ़ी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। हजारा राम मंदिर, ये आपका हम्पी कर्नाटक में है। हजारा राम मंदिर कर्नाटक में है। नाम सुनने में लगता है कि ये यूपी यूपी में होगा, यूपी बिहार इस साइड में होगा, लेकिन है ये कर्नाटक में, याद रखना है आपको ये। फिर आपका विरूपक्ष मंदिर, ये भी अगेन कर्नाटक में है। फिर आपका नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर, ये बहुत फेमस है, तो ये सबको पता होगा, अमृतसर पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं इसकी फोटो, बहुत ही सुंदर है, भव्य है। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है, फेमस है, पता ही होना चाहिए, और पता ही होगा ये तो। फिर अगला हम देखते हैं कैलाश मंदिर, ये आपका एलोरा महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर अगेन महाराष्ट्र में है। फिर से आ गया एक तमिलनाडु का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है, ये तो पता ही होना चाहिए, मदुरई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये देखिए, ये है मीनाक्षी मंदिर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। इसको नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, वैसे याद होगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, मीनाक्षी मंदिर है ये, मदुरई तमिलनाडु में है। और ये इसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई है ताकि आप इसे पहचान सकें। नेक्स्ट देखते हैं तो शोर मंदिर, महाबलीपुरम, भाई जहाँ पे महाबली होंगे इकट्ठा तो वहाँ पे शोर तो होगा, ठीक है। ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, शोर मंदिर। नाम थोड़ा इसका विचित्र है, हट के है, क्योंकि मंदिर में तो जनरली शांति होती है, पर यहाँ पे शोर है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, याद रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा फिर से यहाँ पे, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि इतना ज़्यादा पढ़ना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या करने को हम इतना सारा देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, बस आपको मेरे साथ पढ़ते चलना है। इन केस जैसे शोला ग्रासलैंड आ गया था, इस तरह से अगर इनमें से कोई भी एक मंदिर आ गया एग्जाम में, कम से कम आप एक बार देख रहेंगे तो पहली नज़र में सही ऑप्शन पे आपकी नज़र जाएगी। तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए पूरा, है ना, सारे नाम। अब मैंने इतनी मेहनत से यहाँ टाइप किया है तो उसको आप एक देखना, मतलब आपको देखना ही चाहिए, बिल्कुल देख लीजिए। देखते हैं तिरुपति मंदिर कहाँ पे है, जल्दी जल्दी मैं स्पीड अप करूँगी वीडियो ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आपका टाइम बचे, टाइम बहुत मूल्यवान है, समय बहुत मूल्यवान है, आई मीन। तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। सबरीमाला मंदिर, ये आपका केरल में है अगेन, ठीक है। पथानम थीट्टा केरल में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में है। कामाख्या मंदिर, ये आपका असम में है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। फिर आपका ज्येष्ठा देवी मंदिर, ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ये पता होगा, फेमस है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में है अगेन। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश, ये सबको पता है, ठीक है। फिर आपका एक और मंदिर अभी ऊपर बताया मैंने वृंदावन में, कौन सा, प्रेम मंदिर। फिर आपका अमरनाथ मंदिर अगेन जम्मू एंड कश्मीर में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर। ज्वालामुखी मंदिर का, ये तो ये कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर। फिर नेक्स्ट आपका नैना देवी मंदिर, तो ये नैनीताल उत्तराखंड में है, ये याद करना आसान है, नैना नैनी, नैनीताल में है नैना देवी मंदिर। फिर आपका है श्री दिगंबर जैन मंदिर, तो ये चांदनी चौक दिल्ली में है। कालकाजी मंदिर, आपका कालकाजी नई दिल्ली में है, वो नाम से ही है, ठीक है। तो इतने सारे मंदिर के जो कलेक्शन थे, आई थिंक इतने सफिशियंट, अगर इतने आपको पता है तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में तो वो बन ही जाएगा। अब पूछेंगे तो इंडिया का ही, इंडिया से बाहर का हालांकि पूछ सकते हैं, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इंडिया का ही पूछेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यूज़फुल हुआ लगा हो, तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।